हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चल के देखते। कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। डाउट है, कंफ्यूजन है? अरे दूर पूर्वक, कौनो कंफ्यूजन नहीं है। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो है जिसे बीजेपी वाले सोशल मीडिया में जम के भुना रहे हैं। मगर क्यों? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से बीजेपी और मीडिया में भूचाल आ गया है। देखेगा, घबराना नहीं। बीजेपी ने तो संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल महाराज की कहानी को न चलाने के लिए मीडिया को भी प्रलोभन दिया जा रहा है। जब केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं प्रधानमंत्री किस गाड़ी में चलते हैं, सेंट्रल विस्टा पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन सेंट्रल विस्टा देश की धरोहर है। कोरोना महामारी जब पीक पर थी और लोगों की मौत हो रही थी, तब अरविंद केजरीवाल अपने बंगले के रेनोवेशन में व्यस्त थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने शीश महल के रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च किए। एक समय केजरीवाल कहते थे कि एक कमरे के मकान में रहना चाहिए। पर पसाने से लेकर शराब घोटाले तक की ये कहानी मीडिया के सामने आ रही है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। तो इसी पे सुशांत सिन्हा लिखते हैं, अभी तूफान थमा नहीं है, आज शाम 6 बजे देखिए ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 टाइम्स नाउ भारत पर। फिर शौक के लिए तैयार रहिएगा। अभी बताते। तो लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुशांत सिन्हा को जमकर ट्रोल किया। गौतम सिंह लिखते हैं, ऐसा ऑपरेशन कर्नाटक की 40% कमीशन वाली सरकार कर सकती हो। अगर आप में हिम्मत है, आप सच्चे पत्रकार है, तो बीजेपी की कोई राज्य सरकार के बारे में कुछ नकारात्मक बोल सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी राज्य सरकार में सब कुछ ठीक हो रही हो। आपकी छवि एक चाटुकारिता पत्रकारिता की है। सही पकड़े हैं। टेकर यूजर लिखते हैं, सुशांत सिन्हा जी कभी मोदी मॉल पे भी ऑपरेशन कीजिए, यह साहब ने सिर्फ अपने विपक्ष के लिए रखा है आपको। अच्छा हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ लोग आज तक के लोगों वाला एक फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कह रहे हैं कि लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान की पत्नी एक मुस्लिम युवक संग फरार हो गया। इस स्क्रीनशॉट में सुरेश और उनकी पत्नी की तस्वीर लगी है, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज के साथ लिखा है सुरेश चौहान की पत्नी मुस्लिम युवक संग फरार, सुरेश ने जताई लव जिहाद की आशंका। वही नीचे लिखा है सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के नोएडा थाने में दर्ज कराई FIR। लव जिहाद के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले सुरेश चौहान की पत्नी मुस्लिम युवक संग फरार। अच्छा बात नहीं है। रुको जरा। तो इसी पे आज तक लिखता फैक्ट चेक, सुरेश चौहान की पत्नी के मुस्लिम संग फरार होने की बात बेबुनियाद, ये स्क्रीनशॉट भी नकली है। ये गड़बड़े बाबा। तो सुरेश चौहान की पत्नी माया सुरेश चौहान के लिखती है, अधर्मियों हम शुद्ध सनातनी है, न घर से भागते हैं न युद्ध से, हम पर कुदृष्ट रखने वालों का सोने का साम्राज्य भी हमारे वीर जला देते हैं, तुम सब मिलकर मेरे धर्म योद्धा पति से सिद्धांतों की लड़ाई में परास्त हो, ये पोस्ट उसका प्रतीक है। अच्छा। तो इसी पे यूजर लिखते हैं, जब खुद के साथ होता है तब समझ में आता है, क्यों बुरा लग रहा है ना, सोचो इसी सुदर्शन से दिन रात फेक न्यूज और लोगों का चरित्र हरण करते हो, तब याद नहीं आता कि लोगों को भी कितना बुरा लगता होगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।